वाली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने पहले से बड़े मार्जिन से मुझे विधानसभा में भेजा और जनता को विश्वास था शीशपाल पे कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए हमारे मुद्दे हमारी बात विधानसभा तक पहुंचाई और जो काम कर सकता था वो काम किए और उसी विश्वास का परिणाम रहा कि पहले से ज़्यादा मार्जिन से मुझे जनता ने जिताया। सर जिस दिन एग्जिट पोल आया था हमने उस दिन आपसे बात की थी और जब आज नतीजों का दिन है तो थोड़ा सा निराशा कहीं ना कहीं हाथ लग रही है क्योंकि जो एग्जिट पोल था उसके उलट नतीजे देखने को मिले और 55 सीट पे लगभग बताया जा रहा है कि आगे चल रही है और इलेक्शन कमीशन के अगर हिसाब से बात की जाए तो लगभग 47 सीट पे बीजेपी आगे चल रही। तो कैसे देखते हैं एग्जिट पोल और जो नतीजे आ रहे हैं? नज़दीकी चुनाव है, अभी लगभग 1-2 घंटे लगेंगे और बहुत से जो विधानसभा क्षेत्र है मैंने देखे वहाँ 5-5, 6-6 राउंड की गिनती हुई है और वहाँ मार्जिन है वो 1000-2000 के करीब है और हमें उम्मीद है अभी भी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने ताकि जो सरकार तानाशाही और क्रूरता से जिसने हरियाणा पे शासन किया उसको हम बेदखल कर सकें और हरियाणा को एक नया परिवर्तन और नया आयाम हम कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित कर। सर कांग्रेस की तरफ से आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाया जा रहा है कि जो वेबसाइट पे आंकड़े दिए जा रहे हैं वो बहुत लेट अपडेट हो रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल, ये हम कह रहे हैं कि अभी तक कालांवाली की गिनती पूरी हो चुकी है और आप दूसरी जगह देखोगे कहीं 5, कहीं पे 3 राउंड की गिनती अभी उसमें दिखाया जा रहा है जबकि अभी भी टाइम 1:30 के करीब हो चुका है। तो जहां एक विधानसभा की काउंटिंग पूरी हो चुकी है जहां उनको स्पष्ट पता था कि यहां तो मामला एक तरफ है पर जहां फंसे हुए पेच है वहां पे अभी भी गिनती स्लो क्यों है ये संदेह के घेरे में तो आती है बात।